Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible to all? जल्दी से थम्स अप कीजिएगा. Am I audible? ओके, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर लास्ट क्लास में द क्वेश्चन रिलेटेड टू ड्राफ्ट ट्यूब. ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम इसे देखेंगे कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली, ए कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब हैविंग इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे इस तरह से इस चीज को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है. ठीक है, जो हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर जो हेड की बात करते हैं उस हेड का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन को प्रेशर हेड के सेंस में एंड पोटेंशियल हेड के सेंस में हम किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट वहीं पर कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, वॉइस इज क्लियर सभी को. जल्दी से एक बार थम्स अप कीजिए. सभी वॉइस इज क्लियर. ओके, हाँ, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर दिया हुआ है और इसका जो आउटलेट डायमीटर है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है और ड्राफ्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं हमें 6 मीटर दी हुई है. ठीक है, दिस इज द 6 मीटर लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब. ओके, सो 6 मीटर यहां पर लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है. साथ ही यहां पर जो टेल रेस है उस टेल रेस से ये अराउंड 1.2 मीटर डेप्थ पर है जो हमारा आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है. जो हमारा आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है वो हमारा 1.2 मीटर टेल रेस पर है. क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड. जल्दी से सभी जुड़िए. जल्दी से सभी जुड़िए. जल्दी से सभी ज्वाइन कीजिए. ओके, चलिए फिर. तो यहां पर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर यहां पर आउटलेट एंड इनलेट डायमीटर दिया हुआ है. साथ ही यहां से 1.2 मीटर का ये विथ दिया, जो यहां पर आपके पास डेप्थ है वो दिया हुआ है टेल रेस से जितना वो डेप्थ में है. मतलब यहां पर ये वाटर है. ठीक है, और टेल रेस हमारे पास ये है. ठीक है, ये इसका एग्जिट है ड्राफ्ट ट्यूब का, ये एग्जिट है. ठीक है, ये हमारे ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है. ठीक है, साथ ही यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 सेक्शन है. ठीक है, तो इस 1 सेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वो हमें अभी नहीं पता है, बट आउटलेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5, मतलब हमें आउटलेट की वेलोसिटी पता है, V2 हमें पता है 2.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर, इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड इफ 10.3 मीटर, ठीक है, तो पी एटमोस्फेयर आपको दे रखा है 10.3 मीटर ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर के सेंस में 10.3 मीटर. साथ ही यहां पर दे रखा है आपको कि जो हेड लोस है हमारे पास, जिसे हम HF बोल देते हैं, फ्रिक्शन हेड लोड्स, वो हमारे पास है 0.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हेड एट द आउटलेट. मतलब V2² Y2G, ये वेलोसिटी हेड होता है उसका 0.2 टाइम्स है. ठीक है, तो HF भी हमें पता है. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 1 और 2 पर बर्नौली इक्वेशन लगाने वाले हैं. ठीक है, तो बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन ऑन 1 और 2 सेक्शन. क्लियर? तो देखिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप 1 की बात करते हैं तो पहले डेटम को हमें फाइंड करना होता है. फाइनल कीजिए डेटम को. डेटम हमने मान लिया, मान लीजिए यहां पर ये. ठीक है, मैंने डेटम ये मान लिया. ठीक है, इसी डेटम से मैं इस पॉइंट का हेड देखूंगा, इसी डेटम से मैं दूसरे पॉइंट का हेड देखूंगा, मतलब पोटेंशियल हेड. ठीक है, तो डेटम अगर मैं यहां पर 2 सेक्शन को ही मान लेता हूं, समझिएगा, डेटम अगर मैं 2.2 वाले सेक्शन को ही मान लेता हूं तो उसका पोटेंशियल हेड में 0 मानूंगा फिर.
क्लियर। तो यहां से आप ऐसा नहीं करेंगे कि टेल रेस से कंफ्यूज हो जाएं, ना टेल रेस से कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने डेटम माना, ये जो रेड लाइन मैंने मानी, ये मेरा डेटम हुआ, यहां से मैं पोटेंशियल हेड काउंट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, डेटम हेड से हम क्या मान के चल रहे होते हैं, डेटम हेड से हम मान के चल रहे होते हैं पोटेंशियल हेड को काउंट करने के लिए। पोटेंशियल हेड को काउंट करने के लिए हम डेटम हेड का यूज कर रहे होते हैं, पहली चीज, ठीक है। तो यहां पर जो वन पर है, वन पर देखेगा, वन पर क्या हो जाएगा, पी वन वाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाती है, पी टू वाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड टू प्लस में एच एफ, जो फ्रिक्शन लॉसेस है, ठीक है। ये आपको बर्नौली इक्वेशन पता है पहले से ही, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं, पी वन वाई रो जी, यहां पर जो प्रेशर हेड है, ठीक है, यहां पर जो प्रेशर हेड है ये हमारे पास निकालना है, प्रेशर हेड एट द इनलेट। तो हमें वन के बारे में नहीं पता, तो पी वन वाई रो जी ऐसे ही हो गया। वी वन की जो वेलोसिटी है वो कहां से निकलेगी, कंटिन्यूड इक्वेशन आपको पता है, कंटिन्यूड इक्वेशन क्या है, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू से, यहां से आप वी वन की वेलोसिटी निकालेंगे। वी वन किस तरह से आ जाएगा, जो आपके पास डायमीटर है 1.5 आउटलेट का है, तो 1.5 अपॉन 1 का स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 एंड 1.5 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, ये तो हो गया A1 इनटू में V2, V2 की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए मुझे, इसे सॉल्व करके आंसर बताइए V1 की वैल्यू क्या आ रही है। साथ ही मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो V1 की वैल्यू आएगी उसे आपको यहाँ पर V1 की वैल्यू में पुट करना है, साथ में Z1 देखिएगा, Z1 है हमारे पास 6 मीटर, Z1 क्या है हमारे पास 6 मीटर, क्लियर, Z1 हमारे पास 6 मीटर है, ठीक है। तो Z1 हमारे पास हो गया 6 मीटर। साथ ही अगर हम P2Y रोजी की बात करें, ठीक है, तो वेरी गुड संजय जी, 5.625, वेरी गुड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, गुड। यहां से Z1 की वैल्यू, डेटम देखिए, Z1 जो होता है वो डेटम हमने क्या माना है, ये रेड लाइन, इसका मतलब रेड लाइन से जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है 1 के लिए, जिसको हमने 1 पर स्टडी कर रहे हैं, वो है 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर लिख दिया। P2Y रो जी, अब P2 क्या है, अब इस पर ध्यान देना है, P2 का मतलब डेटम से नहीं है, गलती मत करना, ये P2 मतलब सेक्शन का जो टू सेक्शन है, जो एग्जिट सेक्शन है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि भाई वो डेटम से कितना ऊपर है कितना नीचे है, ना। जब प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं तो डेटम से मतलब नहीं होता है, ध्यान से समझो, अगर हम बात कर रहे होते हैं प्रेशर हेड की, तो उस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है हमें ये देखना होता है। अब आपको पता है 10.3 मीटर, मैंने आपको पहले से ही जो प्रेशर पी एटमोस्फेयर लग रहा होगा यहां पर, उसकी वैल्यू मैंने 10.3 मीटर वाटर पहले से दे रखी है। तो इस 1:2 वाले सेक्शन पर कितना प्रेशर लग रहा है वाटर के टर्म्स में, कितना है जरा विजुलाइज करो, 10.3 एटमॉस्फेयर तो पहले से ही है वाटर के टर्म्स में, प्लस 1.2 भी तो है, ये प्रेशर हेड है, ठीक है, इसे डेटम से मतलब नहीं है। डेटम अगर मैं यहां पर भी मान लेता ना, ये रेड लाइन को मैं अगर यहां पर भी मान लेता, तब भी आपके पास यहां पर आप वाई प्लस जोड़ते, कुछ ना कुछ इस तरह से क्वेश्चन को करते, ठीक है, तो वो वहां से जेड से वाई की वैल्यू जब फिर से रखते इस टू के लिए, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाता। तो डेटम जो हम लेते हैं वो हमारा आर्बिट्ररी है, बट जो हमारा प्रेशर हेड है वो आर्बिट्ररी नहीं है, वो डेटम के हिसाब से नहीं आ रहा। इसी में कंफ्यूज होते हो आप कि प्रेशर आप यहां से मान के चल रहे हो, अगर डेटम ऐसे मानना है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। क्या करना है, अगर यहां से हम प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं इस P2 पर, तो P2Y रो जी जो हमारे पास आएगा वो पी एटमोस्फेयर प्लस 1.2 मीटर ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर है ना, ठीक है, तो 1.2 मीटर ऑफ वाटर। तो P2Y रो जी जो है हमारा, वो सीधा हम क्या लिखेंगे, 10.3 प्लस में 10.3, ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है, ये एब्सोल्यूट को लेके चल रहे हैं, हम गेज को नहीं लेके चल रहे, अगर गेज लेते तो 10.3 को हम जीरो मान लेते। तो 10.3 प्लस में यहां पर कितना है 1.2, ये हमारा हो गया प्रेशर हेड ऑफ द वाटर एट द एग्जिट। क्लियर, प्रेशर हेड की बात हो रही है, एनर्जी पर यूनिट वेट की बात हो रही है। V2 square by 2g, V2 की वैल्यू पता है 2.5, ठीक है, तो यहां से ये 2.5 के हिसाब से रखेंगे हम 2.5, Z2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डेटम हमने 2 वाले पर ही माना है, तो Z2 0। HF क्या है, 0.2 टाइम्स ऑफ V2 square by 2g। जरा वैल्यू रखते हैं जल्दी से, उम्मीद है अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जिसमें आप गलती करते हैं, ठीक है। तो P1Y रोजी प्लस V1 की वैल्यू क्या है 5.625 का स्क्वायर Y2G प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा 10.3 प्लस 1.2, ये तो हो गया प्रेशर हेड प्लस
वेलोसिटी एट देखो 2.5, ये वाली जो चीज है वी टू स्क्वायर बाई टू जी और वी टू स्क्वायर बाई टू जी दोनों सेम है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई है इसमें 0.2 से, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली प्लस में 1.2 टाइम्स ऑफ वी टू स्क्वायर बाई टू जी। वी टू की वैल्यू कितनी है 2.5 का स्क्वायर बाई टू जी। इसे सोल्व करके मुझे पी वन वाई रोजी की वैल्यू बताइए, इसे सोल्व करके मुझे पी वन वाई रोजी की वैल्यू बताइए जल्दी से, पी वन वाई रोजी की वैल्यू बताइए मुझे जल्दी से कितनी आ रही है पी वन वाई रोजी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम इफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ चलेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ चलते हैं फिर। वेरी गुड, वेरी गुड निवेश जी, 4.26 मीटर, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। समझो इस चीज को, समझो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक निगेटिव प्रेशर है तो क्या ये बात सही है, आंसर दीजिए प्लीज। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये निगेटिव प्रेशर है तो क्या ये बात सही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है पी एटमोस्फेयर कितना है, पी एटमोस्फेयर है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, जबकि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई है 10.3 से कम आई है। इसका मतलब अगर मैं ये रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, 10.3 को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मेरे लिए पी एटमोस्फेयर है जो कि है 10.3, तो ऑब्वियस है 10.3 से 4.26 कहीं ना कहीं नीचे है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, निगेटिव गेज प्रेशर है या फिर वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह दिख रहा होगा कि यह हमारे लिए निगेटिव प्रेशर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहां से एब्सोल्यूट की वैल्यू है 4.26 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन का आंसर माइनस में भी आ सकता है, माइनस में 10.3 माइनस में 4.26 करके, तो वो माइनस में आंसर आ जाएगा क्योंकि वो हमारा निगेटिव गेज प्रेशर होगा या वैक्यूम प्रेशर होगा। क्लियर, तो ये हमारे वैल्यू जो है वो 4.26 एब्सोल्यूट की निकली है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी की बात करें तो ये ड्राफ्ट ट्यूब जो है हमारे पास वो हमने देखा था क्या आया था, वी टू स्क्वायर वाई टू जी माइनस वी थ्री स्क्वायर वाई टू जी माइनस एच एफ अपॉन इनलेट काइनेटिक एनर्जी। ये तो था हमारा प्रेशर राइज, ये था हमारा प्रेशर राइज। आप याद करो, मैंने आपको एक नोट्स में आपको याद होगा प्रेशर राइज, ठीक है, मतलब हेड, प्रेशर हेड राइज जितना हो रहा है हम उसकी बात करते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में। तो मैंने आपको वो पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, आपको याद भी होगा ये। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इनलेट काइनेटिक एनर्जी हेड, डिवाइडेड बाई इनलेट काइनेटिक एनर्जी हेड, तो यहाँ से हमें वैल्यू रखनी है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास v2 इन द सेंस क्या है, अगर मैंने इसे 2 एंड 3 माना जैसे हमने डिराइव किया था तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है वी टू स्क्वायर वाई माइनस वी थ्री स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे, वी वन स्क्वायर वाई टू जी माइनस वी टू स्क्वायर वाई टू जी माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर वाई टू जी। इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये वी वन का मतलब है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये हमारा पुराना फॉर्मूला है जिसे हमने याद किया था, ये हमारा ओल्ड फॉर्मूला है जिससे जिसके थ्रू हम याद करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1, 2 ऐसे लिया हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है, जो ये ड्राफ्ट ट्यूब है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास V1 की वैल्यू हमने निकाली थी 5.625, ठीक है, 5.625 का स्क्वायर माइनस में 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G माइनस HF, HF कितना है 0.2 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर बाई 2G डिवाइडेड बाई V2 इन द सेंस मैं यहाँ पर सीधी वैल्यू रख देता हूँ 2.5 का स्क्वायर बाई 2G डिवाइडेड बाई V1 क्या है 5.625 डिवाइडेड बाई 2G 5.625 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से मुझे एफिशिएंसी की वैल्यू बताइए, जल्दी से आंसर बताइए एफिशिएंसी का आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, तब तक हम ये रफ कर लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब निकल जाएगी यहाँ से अब। क्लियर, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है कि जो हमारे पास प्रेशर हेड होता है, ठीक है, एट इनलेट, वो निगेटिव प्रेशर हेड बन के आता है। ठीक है, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये आपके लिए निगेटिव प्रेशर हेड की तरह काम करता है। ठीक है, जो इनलेट पर प्रेशर होता है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही एनपीएसएच को भी समझने वाले हैं। ठीक है, वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर 75 ईटा, जो हमारे पास ड्राफ्ट ट्यूब है उसकी वैल्यू आ रही है 75.3%। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 75.3, ओके 76.29 ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, ओके ठीक, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा, ए रिएक्शन टरबाइन वर्क्स एट 450 आरपीएम, वर्क्स एट 450 आरपीएम अंडर ए हेड ऑफ 120 मीटर, अंडर ए हेड ऑफ 120 मीटर इट्स डायामीटर एट इनलेट इज 120 सेंटीमीटर एंड द फ्लो एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर, एंड द फ्लो एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटीज at inlet are 20 degree and 60 degree respectively. Okay, determine A, the volume flow rate. B, the power developed. And C, hydraulic efficiency. Assume world at outlet to be zero. Assume world at outlet to be zero. Okay, good. ठीक, assume world at outlet to be zero. Okay, ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ करवा रहा हूँ इसे, बट कोशिश कीजिए आप खुद से सेल्फ इसे सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए, सेल्फ करने की कोशिश कीजिए इसे। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर भी इसे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या है, ए रिएक्शन टर्बाइन वर्क्स एट 450 आरपीएम अंडर ए हेड ऑफ 120 मीटर। मतलब आपको जो गिवन टर्म्स हैं उसमें अगर मैं बात करूँ तो एन जो आपको है दिया हुआ 450 आरपीएम है। ठीक है, एंड साथ ही आपको 120 हेड दिया हुआ है, 120 मीटर हेड दिया हुआ 120 मीटर, इट्स डायमीटर एट इनलेट इज 120 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हम यहाँ कहीं सेंटर लेते हैं और यहाँ से इसे हम इस तरह से रेडियल फ्लो टर्बाइन को ऐसे हम इन कराते हैं वेलोसिटीज, है ना, याद है आपको फ्रांसिस टर्बाइन पूरा अच्छे से। तो इनलेट हमारा ये वाला पार्ट है ना, और आउटलेट हमारा ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, एट इनलेट डायमीटर इज 120, मतलब हमारे पास R1 की वैल्यू दे रखी है 120, R1 की वैल्यू दे रखी है 120। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए। सॉरी, D1 की वैल्यू दे रखी है 120, तो हमारे लिए D1 क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर और 1.2 मीटर। क्लियर, नाउ एंड द फ्लो एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको ये पहले से समझाया हुआ है, फ्लो एरिया क्या होता है, जो हमारे पास टोटल फ्लो एरिया है। ठीक है, जहां से वाटर इन करता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है वो चीज, है ना। तो फ्लो एरिया हमारे पास AF कितना है, AF है हमारे पास 0.4 मीटर स्क्वायर।
इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको बताया भी था, मैंने डिस्चार्ज के बारे में बताया था, मैंने एम डॉट एंट्री इक्वल टू एम डॉट एग्जिट की बात की थी, आपको याद होगा वहां पर हमने एम डॉट के सेंस में रो क्यू के बारे में बात की थी, ठीक है, यानी कि पाई डी वी, ठीक है, उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी सेंस में हमें आगे लेके चलना है क्वेश्चन को, द एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटीज, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन के फिगर को बना लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास ये v1 जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल डायरेक्शन 20 डिग्री एंड रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है 60 डिग्री, ये मेरे लिए vr1 है, ये मेरे लिए vf1 होगा, ये मेरे लिए vw1 होगा, क्लियर। उसके बाद जब हम आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट पर वी आर टू आता है, ठीक है, साथ ही देखिएगा क्योंकि ये फ्रांसिस टर्बाइन है, हमने यहाँ पर फ्रांसिस टर्बाइन में एक चीज और देखी है, अगर ना भी दिया हो तो भी आपको ये लेके चलना है क्या कि एज्यूम वर्ल्ड एट द आउटलेट टू बी जीरो, मतलब आपको वर्ल्ड कॉम्पोनेंट जीरो लेके चलना है, तो इसका मतलब आउटलेट का जो फिगर आप बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि जो मेरे पास यू टू है बस यू टू ही है, साथ में वी डब्ल्यू टू जीरो है ना, तो वर्ल्ड कॉम्पोनेंट हमने क्या लिया, जीरो लिया, तो हमारे पास आउटलेट पर क्या हो जाएगा, वी एफ टू इक्वल टू हो जाएगा वी टू, ठीक है। ये हमने डेरिवेशन में अच्छे से समझा हुआ भी है, आपको उम्मीद है याद भी होगा ये, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास दी हुई है, ठीक। अब मुझे वन बाय वन एक एक चीजें बताते रहिएगा आप, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो मुझे चीज क्या चाहिए, जैसे द वॉल्यूम फ्लो रेट, अब वॉल्यूम फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो हमें बेसिकली Q की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर हमें Q की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास देखिए दिया हुआ क्या है, फ्लो एरिया दिया हुआ है, तो फ्लो एरिया में अगर मैं वी एफ वन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, Q बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है इस साइड में, वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर हमें Q की बात करनी है तो Q क्या होता है, एरिया इंटू वी एफ वन, वॉल्यूम फ्लो रेट, फ्लो रेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है हमारा, जो हमारे पास फ्लो डायरेक्शन में जो वॉल्यूम आ रहा है, और एरिया जो हमारे पास बेसिकली ए एफ है, ठीक है। तो हमें यही चीज निकालनी है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए एफ तो हमें चलो ठीक है वैल्यू पता है, बट वी एफ वन तो नहीं पता ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का हमें वी एफ वन नहीं पता है, तो वी एफ वन को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज निकालनी होगी उस चीज को देखिएगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे पास यू वन, ठीक है, ये है हमारे पास यू वन, ठीक है, तो जरा मुझे बताइएगा क्या क्या चीजें आप निकाल पा रहे हैं। अगर मैं यू वन की बात करूं तो वो क्या हो जाता है, पाई डी वन एन वाई सिक्सटी, ठीक है, पाई डी वन एन वाई सिक्सटी, एन तो दोनों का सेम होगा ना, चाहे हम टू की बात करें चाहे वन की बात करें, ओमेगा तो सेम जा रहा है ना, सेम ओमेगा से जा रहा है, मतलब एन सेम है, तो पाई डी वन एन वाई सिक्सटी, पहले इसकी वैल्यू बताइए, पाई डी वन की वैल्यू 1.2450 अपॉन 60, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, यू वन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यू वन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जल्दी से आंसर दीजिए, यू वन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यू वन इज जल्दी से रिप्लाई कीजिए, यू वन इज 28.27 मीटर पर सेकेंड, यू वन इज 28.27, हाँ वेरी गुड वेरी गुड संजय जी, 28.27 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो अगर हमने U1 निकाल लिया है तो अब देखिएगा कि हमें क्या है, हमें अगर बात करें हम VF1 हमें चाहिए, VF1 फाइनली हमें निकालना है, बट यहाँ पर हमें U1 पता है, ठीक है, हमें यहाँ पर U1 पता लग गया है, ठीक है। अब VW1 की अगर हम बात करें, ठीक है, VW1 की अगर हम बात करें या VF1 की बात करें तो हमें एंगल्स पता है, ठीक है, हमें एंगल्स पता है, तो U1 पता है मुझे, U1 के सेंस में अगर मैं एंगल को लेके चलता हूं तो V1 का देखिए दो इक्वेशन बन के आएंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैथ्स का यूज अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले तो आपको ट्रायंगल में यहाँ पर V1 से VW1 की बात करनी होगी, V1 से VW1 की बात करनी होगी, ठीक है। तो पहले आप एक एक इक्वेशन लेके चलिए कि V1 का cos 20 हमारे पास क्या देके चलेगा, VW1, या फिर इस तरह से लेके चलिए क्योंकि हमारा आउटकम क्या है VF1 में, हमारा आउटकम क्या है VF1 में, तो VF1 के सेंस में लेके चलिए कि VF1 का अगर हम tan 20 लेके चले तो VF1 अगर हम tan 20 लेके चले tan 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा VF1 डिवाइडेड बाय VW1, ठीक है, VF1 डिवाइडेड बाय और VW1, ठीक, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इतने वाले पार्ट की तो ये tan 20 में आपको VF1 एंड VW1 की बात करनी है, ठीक है, तो पहले आपके पास ये भी अननोन है दोनों चीजें, तो VF1 की वैल्यू कुछ ना कुछ VW1 के सेंस में आ जाएगी, तो tan 20 into
वी डब्ल्यू वन, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिएगा, वी एफ वन डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की, तो ये बेसिकली कितना है मेरा वी डब्ल्यू वन माइनस में यू वन, ये मेरा कितना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वी एफ वन डिवाइडेड बाई, तो वी डब्ल्यू वन माइनस में यू वन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ से, वी एफ वन इक्वल टू, मुझे यू वन पता है, मुझे यू वन पता है, ठीक है, यू वन की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 28.27, क्लियर। तो यहाँ से वी एफ वन क्या हो जाएगा, टेन 60, टेन 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रूट थ्री टाइम्स ऑफ या 1.732 रूट थ्री इंटू वी डब्ल्यू वन माइनस में 28.27। ठीक, अब इसे जरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो वी एफ वन इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी डब्ल्यू वन की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, देखिएगा वी डब्ल्यू वन क्या है, वी एफ वन वाई टेन 20, ठीक है, माइनस में 28.27। तो यहाँ से मुझे अब वी एफ वन को कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, यहाँ से वी एफ वन को कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से वी एफ वन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए फाइनली कितनी आ रही है वी एफ वन। ठीक है, जल्दी से वी एफ वन को कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है, सारे जो हमने क्वेश्चन था वो सब कुछ मैंने यहाँ फिगर में आपको बता दिया है। ठीक है, अब वन बाय वन हम एक एक चीज लेके चल रहे हैं, तो अभी वी एफ वन यहाँ से निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ 20 एंड 60 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इजिली वी एफ वन एंड वी एफ वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर वी एफ वन की वैल्यू पता लग जाएगी तो क्यू इक्वल टू ए एफ इंटू वी एफ वन करना है बस, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पावर डेवलप्ड। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, जल्दी से क्या आंसर आ रहा है वी एफ वन का, वी एफ वन का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से वी एफ वन इक्वल टू गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 13.02, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 13.02 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, वी एफ वन हमारा आया 13.02 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर हम आगे चलें, ठीक है, तो हमने यहां से हमें क्या निकालना है, क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, ए एफ, मतलब 0.4 इंटू 13.02, तो इसका जो आउटकम आ जाएगा वो अराउंड आ जाएगा 5.211, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका क्यू आ जाएगा और वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपने वी डब्ल्यू वन भी निकाला होगा, यहाँ से आप वी डब्ल्यू वन निकाल सकते हैं, यहाँ से एक काम और कीजिएगा, वी डब्ल्यू वन और निकालिएगा, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एफ वन अपॉन में 10.20, वी डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा, वी एफ वन अपॉन में 10.20। ठीक है, इसकी वैल्यू और बताइए मुझे, वी डब्ल्यू वन की, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू और बताइए, ठीक, गुड, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू और बताइए जल्दी से, वी डब्ल्यू वन इज ठीक है, जल्दी से आप कैलकुलेट कीजिए तब तक। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्चार्ज निकाल लिया, क्यू की वैल्यू निकाल ली है, साथ ही अब हमें निकालना है द पावर डेवलप्ड देन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो पावर डेवलप्ड की बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तब तक आप आंसर निकालिएगा वी डब्ल्यू वन का। ठीक है, पावर डेवलप्ड क्या है, बी ऑप्शन, पावर डेवलप्ड क्या होती है फ्रांसिस टर्बाइन में, ठीक है, जो रनर पावर होती है हमारे पास वो क्या हो जाती है, एम डोट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, हम इस पावर की बात करते हैं, बट हम फ्रांसिस टर्बाइन में क्या मान के चलते हैं, वी डब्ल्यू टू को, हम फ्रांसिस टर्बाइन में वी डब्ल्यू टू को जीरो मान के चलते हैं, और इस क्वेश्चन में हमने देखा भी है कि हमने जीरो माना हुआ है, इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से, रो क्यू, ये हमारा एम डॉट हो गया, रो क्यू एम डॉट हो गया इनटू में वी डब्ल्यू वन यू वन, दिस इज द रनर पावर यानी पावर डेवलप्ड एट द रनर। ठीक है, तो रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन, ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं 1000, क्यू की वैल्यू क्या है 5.211, ठीक है, इनटू वी डब्ल्यू वन एंड यू वन, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू आपने निकाली है, साथ ही यू वन की वैल्यू हमने निकाली थी 28.27, क्लियर, 28.27, तो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू, वेरी गुड, 35, वेरी गुड समेश जी, वेरी गुड सांगे जी, 35.7, ठीक है, तो 35.79,
ठीक, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रनर पावर कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए रनर पावर कितनी आ रही है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, रनर पावर बताइए, यहाँ पर हमारे पास वी डब्ल्यू वन की वैल्यू आ रही है 35.79 मीटर पर सेकेंड। ओके, रनर पावर के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इफिशियंसी। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको ये फिगर अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं इसे अब रफ कर रहा हूँ। यहाँ से हम रनर पावर के बाद अब इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी क्या है हमारे पास, इफिशियंसी हमारे पास हाइड्रोलिक इफिशियंसी की बात करें तो हमारे पास रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर। अब रनर पावर तो हमने निकाली अभी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है पूरी रनर पावर की, डिवाइडेड बाई वाटर पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, रो जी इंटू क्यू एच। ठीक है, रो जी इंटू क्यू एच। ठीक है, तो इसे चाहे तो आप छोटे से फॉर्म में और लेके चल सकते हो, फॉर दी फ्रांसिस टर्बाइन एम डॉट इन टू, यहाँ पर होता है वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू डिवाइडेड बाई रो जी क्यू एच, है ना। अब आप एक चीज और देखिएगा, एम डॉट को आप लिखते हैं रो क्यू, है ना, और वी डब्ल्यू वन यू वन, और यहाँ पर ये हो जाता है जीरो। तो ये चीज तो इतनी ही बची, ये चीज याद रखिएगा हमेशा फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। तो रो क्यू से रो क्यू कैंसिल हो जाता है, तो हमेशा इफिशियंसी आती है वी डब्ल्यू वन यू वन अपॉन जी एच। बस इसमें आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकल जाती है। वी डब्ल्यू वन की वैल्यू हमारे पास आई थी 35.79 इंटू यू वन 28.27 डिवाइडेड बाई 9.81, एंड एच की वैल्यू हमने सबसे पहले हेड की बात की थी, कितना था हमारे पास हेड, हमारे पास हेड है हमारे पास 120 मीटर, क्लियर 120 मीटर। तो हमारे पास ईटा एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके बताइए। हाँ ठीक है, पावर की वैल्यू आ रही है 5272.4, वेरी गुड वेरी गुड, 5272.4 किलोवाट। ठीक है, 5272.4 किलोवाट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, एंड साथ ही अब इफिशियंसी और बताइए, जल्दी से इफिशियंसी और बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस की, तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, पता है आपको इन क्वेश्चंस का सिर्फ एक पार्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको एक साथ मिलने वाली है गेट में, ठीक है, या फिर ईएससी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को थोरोली फुल करने के बाद कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस तरह से हम डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर हमें इंडिविजुअल एक एक चीज के लिए अलग अलग क्वेश्चन लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको इफिशियंसी पूछी जाती है तो इफिशियंसी के चीज के बारे में मिलेगा। सीधा आपको वी डब्ल्यू वन यू वन की बात करनी है सीधी, ठीक है, सीधा रनर पावर की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा इफिशियंसी का फॉर्मूला याद है वी डब्ल्यू वन यू वन अपॉन जी एच, जी एच आपको पता है। ठीक है, वी डब्ल्यू वन निकालना है, यू वन आपको निकालना है, बस, है ना। तो डायरेक्टली आपको इस अप्रोच के जाना होगा फिर। ठीक है, तो जो जो इंडिविजुअल चीजें पूछी जाएंगी वैसे ही आपको करना होगा। क्लियर, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इफिशियंसी की वैल्यू बताइए जल्दी से, इफिशियंसी, वेरी गुड 85.95, वेरी गुड। सोमेश जी बिल्कुल आप ऑलमोस्ट पास हो। ठीक है, सांगिया जी वेरी गुड 85.95, ठीक है परसेंट, दिस इज द हाइड्रोलिक इफिशियंसी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने आपसे कहा है आज हम फ्रांसिस टर्बाइन के क्वेश्चंस को अच्छे से घोट के पी जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपके मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, सारे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद है आपको ड्राफ्ट ट्यूब भी समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं आपको ड्राफ्ट ट्यूब का एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा फ्रांसिस टर्बाइन की ऊपर है, क्वेश्चन है ए फ्रांसिस टर्बाइन हैज ए डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर एंड रोटेट्स 430 आरपीएम।
वाटर एंटर्स द रनर, वाटर एंटर्स द रनर, वाटर एंटर्स द रनर विदाउट विदाउट शॉक विद विदाउट शॉक विद विद ए फ्लो वेलोसिटी, ए फ्लो वेलोसिटी। आपको बस टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी ले रखा है, यहाँ पर इसे वी वन नहीं मानना है, ठीक है, यहाँ पर क्या लेके चलना है, इसे वी एफ वन, फ्लो वेलोसिटी ऑफ, फ्लो वेलोसिटी ऑफ 9.5 मीटर पर सेकेंड एंड 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 लीव्स द रनर एंड लीव्स द रनर लीव्स द रनर रनर विदाउट वर्ल्ड विदाउट वर्ल्ड विदाउट वर्ल्ड विद एन एब्सोल्यूट विद एन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द स्टैटिक एंड पोटेंशियल हेड्स एट द एंट्रेंस टू द रनर एंड at the exit from the runner is 62 meter. Okay, the turbine develops 12.25 megawatt power. The flow rate through the turbine is 12 meter cube per second. For a net head of 115 meter. Find absolute velocity of water at entry to the runner and angle of inlet guide vanes and B is the entry angle of the runner blades, okay, entry angle, and C is the loss of head in the runner. मैंने आपको कल कुछ बताया था कि जो हमारे पास 100 होता है उस 100 में से मान लीजिए हमने 70 का वर्क प्रोडक्शन किया तो 10 एंड 20 मैंने अलग अलग बताया था आपको, 10 क्या था हमारे पास फ्रिक्शन लॉसेस थे, ठीक है, एंड 20 क्या था एग्जिट लॉस था, मतलब जितना हमारा एग्जिट में वेलोसिटी आउट कर रही है वो हमारा लॉस था. तो यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर लॉस ऑफ हेड इन द रनर पूछा है, तो लॉस ऑफ हेड इन द रनर बेसिकली किस टर्मोलॉजी को दे रहा है, किस टर्मोलॉजी को बता रहा है, फ्रिक्शन लॉस को, ठीक है, ओके 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 समीर जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये अप्रोक्स में आंसर हमारा उस रेंज के अंदर बिल्कुल आ जाता है ना, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए, पहले इसका फिगर बनाइए, सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए, क्या करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए फ्रांसिस टर्बाइन हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर. जब भी फ्रांसिस टर्बाइन का आपको डायमीटर सिंपल बोला जाए इसका मतलब वो इनर डायमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, इनर डायमीटर की, ठीक है,
और इनर डायमीटर आपको 1.4 दे रखा है, तो जो हमारे पास एग्जिट डायमीटर है ना, इनर का मतलब जो इनलेट डायमीटर है, हाँ ये थोड़ा सा समझना होगा, इनलेट डायमीटर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इनलेट डायमीटर होता है आउटर डायमीटर, जबकि इनर डायमीटर होता है यहाँ पर एग्जिट डायमीटर, ठीक है। ये इनर एंड आउटर का मीनिंग आपका जो पंप होते हैं एंड टर्बाइन होती है, उन दोनों में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आउटर डायमीटर होता है ये, इनर होता है ये, जबकि इनलेट है ये और आउटलेट है ये, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जबकि पंप में क्या हो जाता है, इनर यही रहेगा, आउटर यही रहेगा डायमीटर, बट ये हो जाता है हमारा इनलेट, ये हो जाता है आउटलेट, ठीक है। तो पंप में और फ्रांसिस और टर्बाइन में यही दो डिफरेंस है, ठीक है, कि हमारे पास आउटर एंड इनलेट डायमीटर, इनर डायमीटर तो ये इनर एंड आउटर, आउटर वर्ल्ड, आउटर डायामीटर एंड इनर डायामीटर, बट इनलेट एंड आउटलेट अलग अलग होते हैं। आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर तो फिक्स रहेंगे, है ना, इनर मतलब जो इंटरनल है, आउटर मतलब जो आउट का है, ठीक है, बट जो हमारा इनलेट एंड आउटलेट है वो अलग हो जाता है। फ्रांस जो टर्बाइन होती है उनमें होता है इनलेट ये वाला और आउटलेट होता है ये वाला, बस हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पंप में मैं फिर से आपको वहां पर बताऊंगा कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है, ठीक है। चलिए फिर अपना कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1.4 मीटर है ये हमारा आउटलेट डायमीटर है, मतलब इनलेट का डायमीटर है, इनलेट का डायमीटर, ठीक है, 1.4 मीटर। उसके बाद मतलब गिवन क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से गिवन लिख लेते हैं। गिवन हो जाएगा हमारे पास, गिवन है डी वन इक्वल टू 1.4 मीटर, साथ ही हमारे पास रोटेशन दे रखा है 430 आरपीएम, जिससे हम यू आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी सहूलियत हो चुकी होगी, यू कैसे निकलता है, पाई डी एन वाई 60 सीधा याद करो। वाटर एंटर्स द रनर विदाउट स्ट्रोक विद ए फ्लो वेलोसिटी ऑफ 9.5 मीटर एंड लीव्स, मतलब फ्लो वेलोसिटी आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए V1 है, ठीक है, एंड लीव्स द रनर विदाउट वर्ल्ड विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। तो वाटर एंटर्स द रनर विदाउट स्ट्रोक विद ए फ्लो वेलोसिटी, मतलब आपको ये जो आपके पास VF1 होता है इसकी वैल्यू दे रखी है 9.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास V1 के साथ में जो एंगल बनता है अल्फा वो भी नहीं पता है आपको, ठीक है, साथ ही आपको VR1 के साथ जो एंगल बनता है वो भी नहीं पता है, थीटा जिसे हम बोल देते हैं, बट आपको U1 पता लग सकता है, ठीक है। आपको VW1 पता लग सकता है क्या, उस चीज को चेक करना अभी, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ और भी छुपा हुआ है उसको भी देखिएगा, ठीक है। एंड लीव्स द रनर विदाउट वर्ल्ड विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, विदाउट वर्ल्ड है इसका मतलब यहां से जो आपके पास आउटलेट एंगल बन रहा होगा, ठीक है, तो वो बन रहा होगा VR2, एंड यहां से जो हमारे पास VF2 होगा वही हमारा V2 होगा, क्योंकि यहां पर क्या है विदाउट वर्ल्ड है, तो यहां पर ये U2 हो जाएगा, VW2 क्या हो गया जीरो, VW2 जीरो हो गया, तो हमारा VF2 इक्वल टू हो गया V2, और बीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, क्लियर। थीटा यहाँ पर हम यूज करते हैं, सॉरी फाई एंड बीटा, बीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 90 डिग्री, क्लियर। नाउ अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, लीव्स द रनर विदाउट वर्ल्ड विद एन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मेरी ये है, ना कि ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात करने लग जाना, ठीक है। आगे चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द स्टैटिक एंड पोटेंशियल हेड एट द एंट्रेंस टू द रनर एंड एट द एग्जिट टू द रनर इज 62 मीटर। तो जरा इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ये है मेरे पास वो फ्रांसिस टर्बाइन जिसकी मैं कहानी आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा कि इसमें जो इनलेट है, जो इसमें हमारे पास इनलेट है, इनलेट टू द रनर, उसमें जो हमारे पास P1 y rho g प्लस में z1, ये है ना प्रेशर हेड प्लस स्टैटिक का मतलब प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल मतलब जेड, स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, तो इन दोनों का सम इनलेट पर, इनर इनलेट पर, एंड यहां पर जो रनर से आउट हो रहा है उस पर, तो रनर से आउट क्या हो जाएगा माइनस, डिफरेंस है ना, तो माइनस P2 y rho g प्लस z2, इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है 62 मीटर, इस पूरे हेड की वैल्यू क्या दे रखी है 62 मीटर। ये आपको लैंग्वेज समझनी है, यहां से लैंग्वेज समझिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द स्टैटिक एंड पोटेंशियल हेड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ दीज हेड्स इक्वल टू 62 मीटर इन द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द रनर, ठीक। नेक्स्ट है द टर्बाइन डेवलप्स 12.25 मेगावाट पावर, ठीक है, तो जो हमारी रनर पावर है, जो हमने टर्बाइन की हेल्प से पावर डेवलप की है, वो आपको दी हुई है सीधी 12.25 मेगावाट, क्लियर, ये गिवन है। द फ्लो रेट थ्रू द टर्बाइन इज 12, ठीक है, मतलब फ्लो रेट याद कीजिएगा, क्यू दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड साथ ही हमारे पास हेड दिया हुआ है
115 मीटर, क्लियर। तो यहां से पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द एंट्री, एंड साथ में मुझे क्या क्या बताना है, v1 बताना है, अल्फा बताना है, थीटा बताना है, और साथ ही लास्ट में मुझे बताना है लॉस ऑफ हेड इन द रनर, मतलब hf इन द रनर, ओनली इन द रनर। इसके लिए मुझे hf बताना है या h मैकेनिकल, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, मतलब जो h लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सोमेश जी, आशुतोष जी बहुत बढ़िया, ठीक है, वैल्यूज आ रही हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे जल्दी से, सभी सभी प्लीज आंसर निकालिए इसका, ठीक है, सभी आंसर निकालिए। यहां पर सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना होगा, v1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर मुझे u की वैल्यू पता है, पहले u1 की वैल्यू कितनी आ रही है, u1 v1 33.6, ओके, u1 की वैल्यू, u1 U1 is 31.5, very good, सोमेश जी, very good, 31.5 U1 is, ठीक है। चलिए मैं अभी से रफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें डाटा सब कुछ मिल चुके हैं, हमने फाइनल फिगर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अब बस वैल्यूज को हमें पुट करके और आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से U1 की वैल्यू निकालिए, तो हमने वैल्यू निकाली πD1 NY60 से, ठीक है, πD1 की वैल्यू हमने देखी हुई है 1.4 मीटर एंड 430 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 31.5, क्लियर, गुड, वेरी गुड, 31.5 मीटर पर सेकेंड। साथ ही अब हमें v1 भी निकालना है, ठीक है, बट v1 की वैल्यू हम कहां से निकाल पाएंगे, या vw1, अभी आप v1 की वैल्यू पर तो जाएंगे, पहले उससे पहले हमें vw1 की वैल्यू को भी सोचना होगा, ठीक है। तो हम कहां से जाएंगे यहां से, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, अभी U1 ही निकाला है, ओके ओके, 31.5, ओके ओके। नाउ आशुतोष जी, V1 इक्वल टू 33.76, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो V1 के लिए हमें V1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, V1 का स्क्वायर इक्वल टू है VW1 का स्क्वायर प्लस VF1 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, सबसे पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एंट्री, तो v1 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, vf1 स्क्वायर प्लस vw1 स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अब यहां से हमें ना ही vf1 पता ना ही vw1 पता, सॉरी vw1 पता नहीं है, vf1 पता है 9.5, तो यहां से ये चीज तो होगी 9.5, क्लियर, बट vw1 कहां से निकलेगा। देखिएगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पहले आपको ये देखना होता है कि वैल्यू हम कहां कहां से निकाल सकते हैं, बाकी आपको ना अल्फा दिया हुआ ना थीटा दिया हुआ, बट आपको एक पावर दी हुई है, ठीक है, बट आपको पावर दी हुई है, वेरी गुड सुमित, बहुत बढ़िया, आपको पावर दी हुई है, तो यहां से आप पावर के थ्रू जाएंगे। पावर क्या है, अभी मैंने बार बार आपको बोला है, ठीक है, कि यहां पर हमारे पास रो क्यू इनटू जो एम डॉट होता है, पहले फिर से मैं लिख देता हूं इसको जल्दी से, एम डॉट इनटू vw1 u1 प्लस vw2 u2, आपको फ्रांसिस टर्बाइन में जनरली ये जीरो मिलेगा, तो यहां से हो जाएगा रो क्यू vw1 u1 इक्वल टू पावर, पावर आपको पता है, ठीक है, पावर आपको पता है, रो पता है, क्यू आपको पता है, फ्लो रेट पता है, vw1 निकालना है, u1 आपने निकाल लिया, तो यहां से vw1 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए अलग से, vw1 इक्वल टू 32.38, गुड, 32.38 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपने v1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 9.5 स्क्वायर प्लस 32.38 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस, तो यहां से आंसर हो जाएगा v1 का 33.74, वेरी गुड, ठीक है, यहां से आंसर आ रहा है 33.76, ठीक 33.76 मीटर पर सेकंड, दिस इज v1, क्लियर, गुड, ठीक। हाँ, अल्फा की वैल्यू आ रही है, बहुत बढ़िया, 16.25 और 34, ओके, हाँ 34, ठीक। चलिए, यहां से हमने v1 की वैल्यू निकाल ली है, साथ ही हमें निकालना है एंगल ऑफ इनलेट गाइड वेल्स,
इनलेट गाइड वेन्स का मतलब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ गाइड वेन्स होती है ना, जिसे मैं नोजल भी बोला था, बट एक्चुअल में नोजल नहीं होती, वो गाइड वेन्स होती है, तो उनकी तरफ से इनलेट एंगल कितना रहा अल्फा, उनकी तरफ से इनलेट एंगल कितना रहा अल्फा। तो आपको ए पार्ट में आपको एंगल अल्फा पूछा गया है, ए पार्ट में आपको अल्फा पूछा गया है, जबकि एंट्री एंगल ऑफ द रनर ब्लेड्स, एंट्री एंगल ऑफ द रनर ब्लेड्स, मैंने हमेशा बोला है कि इसके टेंजेंट जो चीज होती है, इसके टेंजेंट जो चीज होती है वो हमें थीटा दिखाती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एंट्री एंगल दिखा रही होती है ब्लेड का, है ना। एंट्री एंगल ऑफ द रनर ब्लेड क्या है हमारा, थीटा। तो ये बी ऑप्शन में हमें थीटा बताना है। तो यहां से अगर हम टेन अल्फा की बात करें, ठीक है, यहां से अगर हम टेन अल्फा की बात करें तो वी एफ वन अपॉन वी डब्ल्यू वन सीधा आ जाएगा आंसर। वी एफ वन अपॉन वी डब्ल्यू वन क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू 16.3, अल्फा की वैल्यू 16.34 डिग्री, यहां से आ रही है अल्फा की वैल्यू 16.34 डिग्री, और ऐसे ही हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा वी एफ वन अपॉन में दिस मच लेंथ, तो वी डब्ल्यू वन में से यू वन घटा दो, VW1 माइनस U1, सो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताइए, 16, यहां पर जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है, आंसर थीटा का कितना हो जाएगा, टेन थीटा, VF1 की वैल्यू 9.5, ठीक है, VW1 की वैल्यू हमने निकाली थी 32.38, ठीक है, माइनस में U1, U1 की वैल्यू क्या है 31.5, यहां से वैल्यू आ जाएगी, यहां से जल्दी से वैल्यू बताइए मुझे, थीटा की वैल्यू बताइए, तब हम आगे चलते हैं। लॉस ऑफ हेड इन द रनर, लॉस ऑफ हेड इन द रनर, ओके, ठीक है, VW1 यहां से हो गया था पावर की हेल्प से, ठीक, चलिए यहां पर करते हैं, ये वैल्यू हमने निकाल ली है, इसे मैं रफ कर रहा हूं अब, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, 84.82, बहुत बढ़िया, ठीक है, थीटा इज 84.6 डिग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थीटा इज, ठीक, नेक्स्ट हमें निकालना है लॉस ऑफ हेड इन द रनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे गेट में, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और गेट में आपको कैलसी बिल्कुल प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करता है कि लॉस ऑफ हेड इन द रनर आपसे एच आउट पूछा जा रहा है क्या, एच एग्जिट पूछा जा रहा है क्या, नहीं, ये एच एग्जिट नहीं पूछा जा रहा है, ये बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, जो मैंने कल आपको अच्छे से समझाया है क्या, कि यहाँ पर जो हमारी ये फ्रांसिस टर्बाइन है, जैसे कि हमने ये मानी हुई है, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन में जो हमारा इनलेट होता है, जो इनर होता है, जो इनलेट होता है, ये वाला सॉरी, जो इनलेट होता है, यहाँ पर जितनी हमारी एनर्जी जा रही है, यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी हमारी किसके हिसाब से, हम बोलते हैं उसे एच वन के हिसाब से, याद है कल की इक्वेशन पूरी अच्छे से, कि एच वन हमारा क्या है, एच वन हमारा इनलेट हेड टू दी रनर। तो ये मेरे पास टोटल हेड हो गया एक तरह से, मतलब जिसे मैं 100 जूल बोल दिया करता था, एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को लेके भी चलेंगे। साथ ही यहाँ इसमें क्या हो रहा है, रनर में कुछ ना कुछ वर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एच जो है उसे हम क्या बोलते थे, नेट हेड टू प्रोड्यूस वर्क, ठीक है, ये हमारा एच हुआ करता था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि एच एक एग्जिट भी होता है, एच एक एग्जिट भी होता है, कल हमने उसे वी थ्री स्क्वायर बाई टू जी की बात की थी, बट यहां अभी मैं एच एग्जिट लिख रहा हूं, मतलब हेड एट एग्जिट ऑफ दी रनर। तो क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया रनर में हेड का लॉस पूछा है, ना कि ये पूछा गया है कि जो हमारे पास रनर के बाद जो एग्जिट आपके पास हेड बच रहा है, जो वेस्ट जा रहा है, वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है एच एफ, मतलब फ्रिक्शन हेड, ये फ्रिक्शन हेड वो नहीं है ग्रोस हेड वाला, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एच वन इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ, ये वाला नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एच एफ फ्रिक्शन हेड, ठीक है, और हेड लॉस इन रनर इटसेल्फ, भाई क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस है, तो मैकेनिकल डिवाइस में आपको रनर में हमेशा लॉसेस तो मिलेंगे प्रैक्टिकली, तो ये चीज आपसे पूछी गई है, ये है हमारे लिए हेड लॉस, लॉस ऑफ हेड इन द रनर। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको मिल चुकी है, ठीक है, मैं ये सब रफ कर रहा हूँ अब, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास फाइनल वैल्यूज हैं वो कैसे आएंगे, उस चीज को देखिएगा कि यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की हेल्प से
प्रिंसिपल की हेल्प से आपको ये दिखेगा कि जितना मैं H1 स्टार्टिंग में इनलेट भेजूंगा वो किस किस में जा रहा होगा, वो आपका एच भी होगा प्लस एच एग्जिट भी होगा प्लस एच एफ भी होगा, या नहीं जल्दी से बताइए, यस और नो, ठीक है जल्दी से बताइए ये चीज होगी या नहीं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इस चीज को समझने में तो बताइएगा, भाई इनलेट जितनी मैंने एनर्जी दी 100 जूल दी तो 100 जूल हमारी इसमें 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 ही तो बटी है, ठीक है इसमें 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 ही तो बटी है, कि मतलब एच जो हमारे पास वर्क में जो जा रहा है इसे वर्क लिख लो, एच जो वर्क डन कर रहा है, दूसरा एच जो एग्जिट जा रहा है वेस्ट जा रहा है, तीसरा एच जो मैकेनिकल लॉसेस कर रहा है। ठीक है जल्दी से मुझे बताइए यस और नो, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है तो यहां से हमने क्या किया, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एच एफ, तो एच एग्जिट बेसिकली क्या है, एच टू पॉइंट है एक तरह से, जो हम टू कहते हैं ना कि वन ये एंट्री हो गया टू ये एग्जिट हो गया, जैसे मैंने यहां पर यूज किया है, तो वन एंट्री है तो एच वन माइनस एच टू इसे इधर को ले जाओ, ठीक है माइनस में एच वर्क, वर्क मतलब जो वर्क डन हमने किया उसे भी हम इधर ले गए, बराबर क्या बचेगा एच एफ, तो हमें एच एफ की ही वैल्यू चाहिए, तो यहां से एच वन माइनस एच टू लिखो, एच वन क्या हो जाएगा पी वन वाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड वन, ठीक है एंड माइनस में पी टू वाई रो जी, क्लियर पी टू वाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड टू, सिंपल डेफिनेशन से चलना है कि ये हेड की डेफिनेशन है तीनों एनर्जी का समावेश, क्लियर माइनस में एच वर्क जो हमने एच वर्क डन निकाल चुके हैं, रनर पावर निकाल चुके हैं, रनर पावर आपको वैसे भी यहां पर दी हुई है, ठीक है 12.25, क्लियर तो यहां से अब आपको फाइनली यहां पर वैल्यूज रखनी है। ठीक है देखिएगा वैल्यूज क्या क्या रखी जाएंगी यहां पर, एच एफ इक्वल टू पी वन वाई रो जी एक साथ लो, ठीक है प्लस में जेड वन लो, साथ ही यहां पर माइनस करके फिर पी टू वाई रो जी, ठीक है उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें एक फायदा मिल रहा है क्या, अभी पहले यहां पर लिखो प्लस में वी वन स्क्वायर वाई टू जी माइनस में वी टू स्क्वायर वाई टू जी, तो टू जी को मैंने एलसीएम ले लिया, साथ में क्या बचा माइनस में एच ऑफ वर्क डन, ठीक है तो यहां से आपको इसकी वैल्यू पता है ना, यहां से इसकी वैल्यू पता है 62 मीटर, तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, यहां से मैं इसे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, तो हमारे पास एच एफ क्या आ जाएगा, एच एफ आ जाएगा 62 मीटर प्लस में वी वन, वी वन यहां पर ये है और वी टू हमारे पास यहां पर 7 है, तो वी वन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 33.74 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g माइनस वी टू की वैल्यू क्या है 7, 7 स्क्वायर बाई 2g एंड माइनस में जो हमारे पास ये हेड फॉर्म, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हमें इसकी हेड फॉर्म चाहिए, ठीक है तो हेड फॉर्म बनाओ, जो हमारे पास रनर पावर है उसको हेड फॉर्म में लिखना है, मतलब m dot g से डिवाइड करके, ठीक है कहीं ना कहीं हमें वेट से डिवाइड करना होगा ना, तो यहां पर जो हमारे पास हेड फॉर्म बनेगी, अगर हम रनर पावर की बात करें, अगर हम रनर पावर की बात करें तो वो क्या हो जाती है हमारे पास वाई जी ये हमारे पास हो जाती है और रनर पावर, ठीक है एम डॉट जी ये हेड फॉर्म है, तो इसे हेड फॉर्म में ही लिखना होगा, इसे हेड फॉर्म में ही लिखना होगा, ये पुट कीजिएगा यहां पर और आंसर लेके आइए, ठीक है ये यहां पर पुट करके आंसर लेके आइए, एच एफ की वैल्यू क्या आ रही है बताइए जल्दी से। ठीक क्लियर, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, ठीक है आप आंसर दीजिए इसका, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। ठीक है यहां तक ये बताइए, यहां तक समझ में आया या नहीं जल्दी से, इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं एक अलग लॉजिक लगा है, वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जल्दी से मुझे यहाँ पर हेड की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है हेड लॉस की, तब तक मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ठीक है इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले हम कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे
ओके 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 ठीक। देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेड, बेसिकली जो हम यहाँ पर हेड लॉस की बात कर रहे हैं एच एफ की, उसकी वैल्यू क्या है, एच वन माइनस एच टू, ठीक है, एंड माइनस एच डब्ल्यू मतलब वर्क वाला, वर्क डन जितना हमने किया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू है उसकी जो वैल्यू आई है वो पी वन वाई रो जी प्लस जेड वन एक साथ ले लिया, माइनस में पी टू वाई रो जी प्लस जेड टू एक साथ ले लिया, माइनस में यहाँ पर सॉरी प्लस में बचेगा क्या, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर वाई टू जी एंड माइनस में एच ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू होगी 62 मीटर में। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर के सेंस में। तो आपको हर एक वैल्यू मीटर में लेके चलनी पड़ेगी। तो ये भी हेड फॉर्म है, ये भी हेड फॉर्म है, इसमें क्या हो गया 33 पॉइंट इसकी वैल्यू है आपके लिए, इसकी वैल्यू है सॉरी 33.76 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, माइनस में एच वर्क, ठीक है। अब ये जो एच वर्क है या वर्क डन है वो जैसे हमने रनर पावर को देखा तो 12.72 जो हमारे पास मेगावाट में रनर पावर दी हुई है वो हम डायरेक्टली इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि रनर पावर जो हमें दी हुई है वो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो पर सेकंड है उसके सेंस में दी हुई है, एनर्जी पर सेकंड के सेंस में दी हुई है, हमें ये हेड फॉर्म में नहीं दी हुई है। तो हेड फॉर्म में रनर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हेड फॉर्म में रनर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा कि यहाँ रनर पावर है और हेड फॉर्म क्या होता है, एनर्जी, हेड फॉर्म होता है एनर्जी पर यूनिट वेट। तो रनर पावर को हमें एनर्जी पर यूनिट वेट में कन्वर्ट करने के लिए जूल पर, देखिए रनर पावर का मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकेंड, है ना, रनर पावर क्या हुआ, जूल पर सेकंड। और अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनर्जी पर वेट मतलब जूल पर न्यूटन, बेसिकली हमें क्या चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब जूल पर न्यूटन। अगर हम जूल पर न्यूटन की बात करेंगे तभी तो इसकी डेफिनेशन मीटर में आएगी, डायमेंशन मीटर में आएंगी। तो यहां से इस चीज को देखिएगा, जूल पर सेकेंड है ये रनर पावर, इसे अगर मैं एम डॉट जी मतलब वेट पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर दूं तो यहां पर वेट पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, जूल पर वेट मतलब जूल पर न्यूटन मतलब मीटर, है ना। ये थोड़ा सिक्वेंस एक बार देखो, आप खुद से समझ जाओगे, ये सिक्वेंस खुद से देखो समझ जाओगे, एक बार जल्दी से आप इसको रिकैप्चुलेट करो, आप समझ जाओगे कि रनर पावर को हम हेड में अगर लेना है तो हमें एम डॉट जी से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको 12.72 दिया हुआ है टोटल रनर पावर, है ना, जूल पर सेकंड दिया हुआ है, रनर पावर दिया हुआ है, आपको लेना है पर यूनिट वेट के हिसाब से। तो पर यूनिट वेट के हिसाब से आप रनर पावर का फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हो ना, आपने इंडिविजुअल वैल्यू इसी की हेल्प से तो निकाली थी, याद करो VW1 आपने इसी की हेल्प से तो निकाला था। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, रनर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट VW1 U1 अपॉन में एम डॉट जी करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एम डॉट जी, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, VW1 U1 / G, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहे तो यहां से कर लो, चाहे अगर आपको कुछ और माइंड में आ रहा है तो कुछ और भी कर सकते हैं, बट बेसिक हमें लेके चलनी है ये यूनिट किस में, मीटर में, ये यूनिट किस में लेके चलनी है, मीटर में, ठीक है। आप चाहे तो पुरानी रनर पावर जो आपने वैल्यू निकाल दी हुई थी उसी के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप इजीली इनकी वैल्यू, क्योंकि आपने इसी की हेल्प से ही तो निकाली है, इनकी वैल्यू आपने इन्हीं की हेल्प से निकाली है, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज अलग अलग है ना, ये वैल्यूज बस जी के डिवाइड से अलग है, समझ रहे हो, एम डॉट जी से अलग है, एम डॉट जी से इसने रेशो कर रखा है 12.72 को, तो वो हेड फॉर्म मिल रहा है, क्लियर। अब उम्मीद है यहाँ से क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशुतोष जी, निवेदित जी, गुड, 13.6 और 13.5 मीटर, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। एच एफ जो है वो हमारा 13.6 मीटर, एक तरह से मीटर ऑफ वाटर क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, ये मेरे लिए क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, लॉस, वेस्ट नहीं बोलेंगे, लॉस हो चुका है, किसमें, मैकेनिकल फ्रिक्शन में ही, मैकेनिकल फ्रिक्शन में ही, ठीक है, या जो हमारे लॉसेस होते हैं इंटरनल, उनमें ये क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, ये वेस्ट हो चुका है एकदम, ये इसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो हमारी इंटरमोलिकुलर एनर्जी को बढ़ा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, चलो ठीक। तो यहां तक उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक, अब आगे चलते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिकैप्चुलेट कराए थे, आपको याद होगा, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ छोटी छोटी चीजें और ऐड कर लो, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ छोटी छोटी चीजें और ऐड कर लो। जैसे कि हमारे पास, जैसे हम बात करें इसमें स्पीड रेशियो की, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड रेशियो फ्रांसिस टर्बाइन में 2 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें पेल्टन व्हील की, तो पेल्टन व्हील में आपको याद होगा एक ही स्पीड रेशियो था, के यू, है ना, जबकि यहां पर हमारे 2 स्पीड रेशियो हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है, U1 अपॉन अंडर रूट 2GH एंड U2 अपॉन अंडर रूट 2GH, इस तरह से, ठीक है। जो हमारे पास फ्लो रेशियो होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सेम ही रहते हैं, क्योंकि VF1 को हम जनरली क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं। तो VF1 या VF2 बराबर होते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं फ्रांसिस टर्बाइन में। तो फॉर फ्रांसिस टर्बाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी ऐड कर लो, ठीक है, फ्रॉम फ्रांसिस टर्बाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी ऐड कर लो, क्लियर। चलिए साथ में एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को स्टार मार्क करके लिख लेना, ठीक है, इस चीज को स्टार मार्क करके लिख लेना। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको जो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगवाया था ना अभी, है ना, वही चीज का यूज करना होता है ना। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वैल्यू ना देके आपको एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से जाना पड़ता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर पावर बेसिकली हमारे पास, जो हमारे पास इनलेट पर पावर है, जो हमारे पास हेड आता है, जो हम H1 जिसे बोलते हैं, जो हमारे पास वाटर पावर है, वो कहीं ना कहीं हम उसी से तो लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, जो मैंने फिगर में H1 बताया था, हेड लॉस को छोड़ के, है ना, HF को हटा के H1 जो हमने लिया था। तो जो वाटर पावर है बेसिकली, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रो जी क्यू इंटू H1 के सेंस में, ठीक है, जो हमारे पास नेट हेड है, कौन सा वाला, जो पावर प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब वही सेम केस फिर से फ्रांसिस टर्बाइन है, फ्रांसिस टर्बाइन में ये इनलेट कर रहा है, तो इनलेट पर कितनी एनर्जी है, वो कितनी है मेरी, रो जी क्यू H1 बराबर किस किस के बराबर हो जाएगी, रनर पावर, रनर पावर मतलब रनर को पावर देना, ठीक है। ये दो भाई तीन चीजों में गई थी अभी, जो मैंने बताया, एक था हमारा वर्क करना, रनर पावर देना, दूसरा हेड को लॉस कर देना, दूसरा क्या था, हेड लॉस कर देना, और तीसरा क्या था हमारा, इसी में HF को प्रोड्यूस करना, मतलब अंदर इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह में अपने आप को लॉस करना। तो हम जनरली क्या मान के चलते हैं, HF को 0 मान लेंगे, है ना, जनरली हम क्या मान के चलेंगे, इंटरनल कोई लॉसेस नहीं हो रहा भाई, 0 मान के चलो, ओके, ठीक है। साथ ही हम जो हेड लॉस यहाँ का हो रहा है ना, उस हेड लॉस को हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वाला हेड लॉस मानते हैं, उस लॉस को हम वेलोसिटी वाला हेड लॉस मानेंगे बस, ठीक है, और कोई लॉस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी लॉस मानेंगे। मतलब एक तरह से हमारा काइनेटिक लॉस, ठीक है। तो जो काइनेटिक लॉस हो रहा है हमारा, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसको किस तरह से लिखेंगे, रो जी क्यू एच वन इक्वल टू रनर पावर, मेरी क्या हो जाएगी, रो रनर पावर अलग से लिख देता हूँ, ये चीज हमने वैसे लिखी हुई है, फिर भी लिख देता हूँ, एम डॉट इन टू VW1 U1 फॉर फ्रांसिस टर्बाइन, सो रो क्यू इन टू VW1 U1, तो रो क्यू इन टू VW1 U1 प्लस काइनेटिक एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉसेस मतलब एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एम डॉट के सेंस में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम डॉट वी स्क्वायर वाई टू, मतलब एम डॉट को हम रो क्यू लिख देते हैं, तो रो क्यू वी आउट यानी कि वी टू एब्सोल्यूट वी आउट या वी टू एब्सोल्यूट, है ना, वी टू स्क्वायर वाई वाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ रहा है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ रहा है। भाई एनर्जी लॉस कितना, जो उसका एब्सोल्यूट का बाहर आउट हो रहा है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी बाहर आउट हो रही है, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये कभी कभी आपको क्वेश्चन गेट में सीधा मिल जाता है, बट आपको ये हिंट नहीं दिया होता, तो ये हिंट मान के चलना होता, क्लियर। यहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में अगर आपको आउटर डाया दिया हुआ है, आउटर डाया दिया हुआ है, इनर डाया नहीं दिया हुआ, और मान लो आपको इनर डाया का भी यूज करना पड़ा है, U2 निकालना पड़ रहा है, पाई डी एन वाई 60 के हिसाब से D2 यूज करना पड़ रहा है, और अगर उसमें डायमीटर नहीं दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ आउटर डाया दिया हुआ है, तो आप इनर डाया के हिसाब से इसे हमेशा ऐसे मान के चलेंगे, टू टाइम्स ऑफ इनर डाया। ये भी स्टार मार्क करके याद रखिएगा, ये भी आपको एज्यूम करना है, जब तक कि दिया ना हो,
ये भी आपको एज्यूम करना है जब तक कि दिया ना हो। अगर आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में उसी के हिसाब से फिर आंसर निकालना है। अगर आपको नहीं दिया हुआ और इसका यूज करना ही पड़ रहा है तो फिर ये चीज ले सकते हो। अगर आपको नहीं दिया हुआ और एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना ही पड़ रहा है तो फिर आप ये चीज लोगे। क्लियर? ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। साथ ही एक चीज और, लास्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में फ्रांसिस टर्बाइन के, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि आपको कभी ना कभी कंफ्यूज कर सकता है। मैंने आपसे बोला था हमेशा D1 B1 इक्वल टू D2 B2 आया था निकल के, ठीक है। ये कब आया था? जब हमने माना था VF1 इक्वल टू VF2, है ना। हमने जब ये माना था तब ये चीज निकल के आई थी D1 B1 इक्वल टू D2 इंटू VF2। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि VF1 बराबर ना हो VF2 के, VF1 बराबर ना हो VF2 के, ये कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या लेके चलेंगे? D1 V1 इंटू VF1 बराबर D2 V2 इंटू VF2, क्योंकि हमें mdot in बराबर तो mdot out करना है, ये तो हमें करना है। बट ये चीज हमारे लिए श्योर शॉर्ट नहीं है कि VF1 बराबर भी VF2 हमेशा रहे, ठीक है। तो आप फ्रांसिस टर्बाइन में जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, ठीक है, जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, इस तरह की शेप होना, ठीक है, तो वो हो सकता है कि इस तरह की शेप को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना लेके चले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ना लेके चले, हम VF1 बराबर VF2 ना लेके चले, तो फिर ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं होगा, तो ये शेप भी वैलिड नहीं होगी फिर, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को फिर करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है अब यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो अजम्पशन मैंने माने हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सारे अजम्पशन प्लीज अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में एड ऑन कर लो जल्दी से, हो जाए तो डन कीजिए जल्दी से, हो जाए तो डन कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, हो जाए डन कीजिए जल्दी से, थम्स अप कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए फिर ओके गुड। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखेगा द इनलेट एंगल ऑफ, ध्यान से समझ के क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ या लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ यहाँ पर ट्रिक जरूर देखनी है आपको, द इनलेट एंगल ऑफ, और मैंने एक तरह से वो ट्रिक आपको बता दी है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में, रनर ब्लेड्स ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन, रनर ब्लेड ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन इज 90 डिग्री, है ना। बस आपको यहां पर जो डायग्राम है वो अच्छे से बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री, द ब्लेड्स आर सो शेप दैट the tangential component of velocity at blade outlet is zero, the flow velocity remains constant throughout the blade passes and is equal to half of the blade velocity
ब्लेड वेलोसिटी एट रनर इनलेट, एट रनर इनलेट द ब्लेड इफिशेंसी ऑफ रनर विल बी, द ब्लेड इफिशेंसी ऑफ द रनर इज, ऑफ द रनर इज, ब्लेड इफिशेंसी ऑप्शंस हैं 25%, 50%, 79%, 89%, क्लियर? ठीक, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड. जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम प्लॉट करना है. द इनलेट एंगल ऑफ द रनर ब्लेड्स ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन इज 90 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक तरह से रनर ब्लेड है ना, ये इस तरह से शो शेप्ड है एकदम, मतलब इस तरह से अरेंज किया हुआ ये ब्लेड है. ठीक है, इसकी प्रोफाइल ऐसी है कि यहाँ पर द ब्लेड्स आर शो शेप दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ब्लेड आउटलेट इज जीरो. ठीक है, एंड जीरो, एंड द फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड. द फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड. ओके, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी एट रनर इनलेट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे इनलेट मानता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहली लाइन दी हुई है उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर द इनलेट एंगल ऑफ द रनर ब्लेड, मतलब इनलेट एंगल ऑफ द रनर ब्लेड वो मेरे लिए क्या है, एक तरह से वो बिल्कुल मेरे लिए 90 डिग्री का है. ठीक है, ये जो आपके पास थीटा है ना, वो एक तरह से 90 डिग्री है. ठीक है, क्योंकि आपके पास रनर ब्लेड के इनलेट एंगल की बात हो रही है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. जो वी आर के हिसाब से हम लेके चलते हैं वो 90 डिग्री है. तो यहाँ पर हमारे पास यू वन कुछ होगा, ठीक है, साथ ही हमारे पास यहाँ वी वन कुछ होगा, ठीक है, और ये हमारे पास अल्फा हो गया, क्लियर, और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है. और वी आर जो है हमारे पास वो हमारे पास वी एफ वन के बराबर भी हो गया, वी आर वन हो गया ये. ठीक है, उसके बाद अगर मैं आउटलेट की बात करूं तो आउटलेट पर क्या हो रहा है, आउटलेट पर जो हमारा वर्ल कॉम्पोनेंट है वो जीरो है. ठीक है, साथ ही हमारे पास द आउटलेट ऑफ जो टेंजेंशियल इनकी वर्ल कॉम्पोनेंट है वो जीरो है. ठीक है, द फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड पासेज, इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास VW है वो तो जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा U2, एंड VW जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कितना दे रखा है, जीरो. ठीक है, तो VW तो जीरो हो गया. साथ ही हमारे पास VF2 बराबर किसके आ रहा है, V2 के, है ना, और VF2 बराबर किसके दे रखा है क्वेश्चन में, VF1 के. VF2 बराबर किसके दे रखा है, VF1 के, क्योंकि फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड, है ना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर. ठीक है, कि अज्यूम हम करते हैं बट यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, बस उसी तरह से हमें इस चीज को लेके जाना है. साथ ही एंड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी एट द रनर इनलेट. ठीक है, इसका मतलब रनर इनलेट की जो द ब्लेड पासेज एंड इज इक्वल टू जो हमारे पास VF1 एंड VF2 है वो हमारे पास हाफ ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी एट रनर इनलेट. इसका मतलब जो रनर इनलेट पर हमारी ब्लेड वेलोसिटी है V1 है, उसका ये हाफ है. क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पर दी हुई है. ठीक है, अब देखिएगा सिंपल सी बात यहाँ पर, कि अगर मैं बात करता हूँ द इनलेट एंगल, यहाँ पर क्या निकालना है, द ब्लेड इफिशियंसी ऑफ द रनर निकालना है, ब्लेड इफिशियंसी ऑफ द रनर निकालना है. तो यहाँ पर और कोई रिलेशन नहीं है आपके पास, यहाँ पर कोई इस तरह का रिलेशन नहीं बन रहा कि आप यहाँ पर V1 एंड VW1 इस तरह का कुछ वैल्यू निकाल सको, क्योंकि इफिशियंसी क्या निकलेगी, इफिशियंसी क्या होती है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी यहाँ पर क्या होगी, इफिशियंसी पूछा है, तो हमारे पास ब्लेड इफिशियंसी बेसिकली हम हाइड्रोलिक इफिशियंसी से ही लेके चलते हैं. तो क्या हो जाएगी यहाँ से, एम डॉट VW1 U1 अपोन में एम डॉट इंटू GH. ठीक है, ठीक है, तो ब्लेड इफिशियंसी ये होगी यहाँ पर. ठीक, क्लियर. उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एम डॉट से, एम डॉट मतलब VW1 इंटू U1 YGH, ऐसे हम लेके चलते हैं हमारी इफिशियंसी को. बट हमें यहाँ पर VW1 बेसिकली, यहाँ पर VW1 क्या है, ये वाला पार्ट है ना, VW1 हमारे लिए ये वाला पार्ट है, तो हमें VW1 की वैल्यू नहीं पता अभी. VW1 इंटू U1 हमें U1 की वैल्यू भी नहीं पता, तो VW1 U1 अपॉन में GH. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है. ठीक है, एच भी हमारे पास नहीं दिया हुआ, देखो आप यहाँ द
द इनलेट एंगल ऑफ द रनर ब्लेड्स ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन इज दिस, ठीक है, कहीं पर भी आपको हेड की बात नहीं की हुई है, तो एच कैसे निकालोगे? तो यही आपके लिए एक टर्म है जो कि मैंने आपको बोला था कि जो वाटर पावर होती है वो हमारी रनर पावर प्लस प्लस जो हमारी काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट है उसके बराबर होती है। अगर आपको एच के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इस रिलेशन से जा सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप एनर्जी ट्रांसमिशन एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूले से इसके थ्रू जा सकते हो। तो जरा लेके चलिएगा, रो जी क्यू एच इक्वल टू रनर पावर क्या हो जाएगी हमारी, रो क्यू इंटू वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, रो क्यू इंटू वी टू स्क्वायर वाई टू। क्लियर? तो यहाँ से रो क्यू सारे काट दो, क्या बचेगा, जी एच इक्वल टू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी टू स्क्वायर वाई टू। क्लियर हो रहा है यहाँ से? अब देखिए क्या क्या चीजें हमारी सिमिलर हैं, उन चीजों को देख लो। यहां पर ओके ओके, देखिए यहां पर जो ब्लेड वेलोसिटी की बात हो रही है तो ये यहां वी वन नहीं है, यहां पर ये यू वन का हाफ है, ठीक है, यहां पर ये यू वन का हाफ है। क्लियर? इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, दिस इज द हाफ ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी इनलेट पर एट द रनर इनलेट पर ब्लेड वेलोसिटी कितनी है, यू वन, है ना। मैंने आपको बताया ना सॉलिड हमारा ब्लेड होता है, सॉलिड हमारा ब्लेड होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू वन, जबकि हमारे पास जो वाटर की इनलेट वेलोसिटी है वो है वी वन। तो यहाँ पर वाटर वेलोसिटी एट इनलेट नहीं है, ये क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट, तो ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट हमारे पास यू वन है, ठीक है, तो यू वन वाई टू। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ से आगे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है उनके हिसाब से चलो, तो यहाँ पर हमें पता है कि VW1 किसके बराबर है, U1 के, तो हम क्या लेके चले, GH equal to U1 into U1 plus V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 है VF1 के बराबर, VF2 के बराबर, और आपको पता है VF1 VF2 किसके बराबर है, U1 by 2 के, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 तो एक साथ, और V2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर V2 को हम लिख सकते हैं U1 by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो GH की वैल्यू हमारे पास आ गई U1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर अपॉन में दो दुनी चार दुनी आठ, मतलब 9Y8 इंटू U1 स्क्वायर, 9Y8 इंटू U1 स्क्वायर। सो यहां से अब आंसर क्या हो जाएगा ईटा एच का, ठीक है, किसी का आंसर निकला जल्दी से बताइए, किसी का आंसर निकल रहा है, ठीक है, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, VW1 की वैल्यू क्या है, U1, तो ये कितना हो जाएगा U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय GH की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 9Y8 into U1 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 8Y9, है ना, U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कैंसिल, 8Y9, सो आंसर विल बिकम अराउंड 88.89% या 89%, ठीक है, ठीक, क्लियर, 9% 0.9 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक, हाँ 88.89, वेरी गुड निवेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अप्रोच में रखने हैं, ठीक है, बस आपको मेन चीज क्या है, ये वाली चीज, ठीक है, कि मेन चीज है यहां से, अगर आप कहीं क्वेश्चन में ऐसे फंस जाते हो कि यार एच क्या लेना है, तो एच लेने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसके थ्रू आप जो एच है उसके बारे में लेके जाओगी, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी एच के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो। क्लियर हो रहा है यहाँ से, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो पूछिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट है किसी तरह का तो पूछिएगा। फिर फर्दर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, फर्दर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, ठीक, चलिए एक हम एक क्वेश्चन और ड्राफ्ट ट्यूब का और कर लेते हैं जल्दी से, इस ड्राफ्ट ट्यूब के क्वेश्चन का आंसर होप सो आप ही निकाले पहले, ठीक है, ठीक, कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर पहले निकालिएगा इसका, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन है फॉर ड्राफ्ट ट्यूब, द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू एन एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। देखिए जब तक आपको कुछ एंगल वगैरह नहीं दिया हो ना तो ज्यादा इसको हेडक नहीं लेना है,
मतलब जो इन्होंने दिया हुआ है उसे आप सिंपल ड्राफ्ट क्यूब मान के ही सॉल्व करना। कोई इसमें ऐसा नहीं करना कि हाँ भाई वो कितना नीचे जा रहा होगा, जैसे मैंने टाइप को बोला था आपको कि एल्बो टाइप इस तरह से होता है, तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर नहीं करनी है। आपको सिंपल वो जो आपको मैंने ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में समझाया है आपको सिर्फ और सिर्फ वही लेके चलना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बारे में जब तक कुछ ना दिया हो तो इतना ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी होती है, ठीक है। लिखिएगा इसमें एरिया ऑफ सर्कुलर इनलेट, एरिया ऑफ सर्कुलर इनलेट इनलेट इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर कॉमा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इनलेट आउटलेट, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आउटलेट, इसकी वैल्यू है 116 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या है, आपको तो अपना आराम से जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो लगानी है बस, ठीक है। आपको ये देखना ही नहीं कि शेप क्या है क्या नहीं है, आपको एरिया दिए हुए हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और, ठीक लिखेगा एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट टू द ड्राफ्ट ट्यूब, एट इनलेट टू द ड्राफ्ट ट्यूब, टू द ड्राफ्ट ट्यूब इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल हेड लॉस, द फ्रिक्शनल हेड लॉस, द फ्रिक्शनल हेड लॉस इन द ड्राफ्ट ट्यूब, इन द ड्राफ्ट ट्यूब इज इक्वल टू 10% ऑफ द, 10% ऑफ द इनलेट वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी हेड, 10% ऑफ द इनलेट वेलोसिटी हेड, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ इनलेट प्लेन, एलिवेशन ऑफ इनलेट प्लेन अबव, अबव टेल रेस लेवल, टेल रेस लेवल इक्वल टू 0.6 मीटर, 0.6 मीटर डिटरमाइन, 0.6 मीटर डिटरमाइन, ठीक है। ए वैक्यूम, वैक्यूम और नेगेटिव हेड, मुझे आप नेगेटिव में वैल्यू बताओगे, नेगेटिव हेड एट इनलेट, नेगेटिव हेड एट इनलेट एंड बी इज द पावर, बी इज द पावर थ्रोन अवे इन टेल रेस। ये एक वर्ड है जिसे आपको समझना है और मैं चाहूंगा कि इस वर्ड को समझ के आप खुद आंसर दें, मेरे से अगर हिंट लिया तो फिर वही चीज हो जाएगी जैसे अभी मैंने बात की थी लॉस ऑफ हेड इन द रनर, तो वो क्या होता है मैकेनिकल लॉस की बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही यहां पर कुछ है पावर थ्रोन अवे इन द टेल रेस। तो कौन सी पावर जाती है टेल रेस में उसके बारे में आप मुझे बताना, पावर थ्रोन अवे इन द टेल रेस, ठीक है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जल्दी से इसका फिगर बनाइए, जल्दी से फिगर बनाइए इसका। ठीक, देखिए सिंपल सी बात है, जब भी मैं आपसे कहूं कि आपको ड्राफ्ट ट्यूब का फिगर बनाना है तो ज्यादा टफ मत लेके जाना उसे, सिंपल ऐसे, ठीक है। यहां पर ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप में मान के चलो, ये अपना सर्कुलर शेप में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर इनलेट कितना दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 116 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताइए आंसर, आंसर मुझे बताइए वी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे 1 मान लीजिए इसे 2 मान लीजिए, तो मुझे बताइए वी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से कहां से a1 v1 equal to a2 v2, सो यहां से क्या हो जाएगा, सो यहां से क्या हो जाएगा a1 मतलब पाई बाय, सॉरी एरिया सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 into 10 equal to a2 into v2, ठीक है। a2 की वैल्यू 116 दी हुई है, तो यहां से v2 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, v2 आ रहा है 2.155, v2 आ रहा है आपका 2.155,
155, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड, 2.155 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा हमें क्या निकाल के चलना है, हमें निकाल के चलना है निगेटिव हेड एट द इनलेट, मतलब इस पर जो हेड है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो चाहे आप एब्सोल्यूट में लेके चलो, फिर आपको आंसर में निगेटिव करना पड़ेगा, 10.3 से डिक्रीज करना पड़ेगा। आप एक काम करो, आपको प्रेशर हेड जो है वो एटमोस्फेयर को जीरो मान के चलो, सिंपल सी बात है, एटमोस्फेयर को जीरो मानोगे तो जो एब्सोल्यूट है वो निगेटिव में आंसर खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करो, निगेटिव हेड के सेंस में करो, कैसे, कि यहां पर क्या हो जाएगा, पी वन वाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू वाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एफ, ठीक है। एच एफ यहाँ दिया हुआ है इसलिए लेना भी पड़ेगा, 10% ऑफ द इनलेट वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी वन वाई रो जी हमें नहीं पता, यही वैल्यू निकालनी है। ये मैंने क्या मान लिया, ये मैंने गेज मान लिया, समझो इस चीज को, ये मैंने गेज मान लिया, तो ऑब्वियस है इस फॉर्मूले, फिर ये भी गेज रखना पड़ेगा ना, ये भी गेज रखना पड़ेगा ना। तो अब ये मुझे बताइए, जो मेरा पी टू है वो मेरा क्या है, पी टू जो है वो मेरा क्या पी एटमोस्फेयर नहीं है, और पी एटमोस्फेयर को मैं गेज प्रेशर की बात करूं तो गेज क्या हो जाएगा, गेज हो जाएगा मेरा जीरो, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक। उसके बाद यहां से पी वन वाई रोजी हमें चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से पी वन वाई रोजी इक्वल टू वी टू स्क्वायर वाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर वाई टू जी, है ना, एंड प्लस में जेड टू माइनस में जेड वन। अब यहां से देखिएगा, जो हमारे जेड टू है वो हमने डेटम यही ले लिया, डेटम ये ले लेंगे तो यहां से हमारे पास जेड टू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, जेड टू क्या हो गया, जीरो, और जेड वन मेरा क्या है, जेड वन है मेरा 0.6 मीटर, ये क्या है 0.6 मीटर, तो यहां से यहां तक जेड वन है मेरा 0.6 मीटर। जरा रखिए और वैल्यू मुझे बताइए कितना आ रहा है, पी वन वाई रोजी की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, द्विवेदी जी -4.3, हाँ 4.9 आ रहा है, ठीक, बहुत काफ़ी अप्रोक्स में हो, -4.9 आ रहा है, -4.9 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निवेदन जी, बहुत बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, हो जाए आंसर तो बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है उसके लिए सोचिएगा, द पावर थ्रोन अवे इन द टेल रेस, पावर थ्रोन अवे इन द टेल रेस, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जो पावर हमने यहां इस टेल रेस में थ्रो अवे की है, इसका मतलब हमारे पास क्या, कौन सी वाली पावर हम रह जाती है, प्रेशर एनर्जी कितनी, जीरो, मतलब भाई प्रेशर को गेज हमने माना हुआ, इसका मतलब हमारे पास प्रेशर एनर्जी भी क्या है, जीरो टेल रेस पर। दूसरी चीज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने डेटम भी इसे ही माना हुआ है, जीरो। सिर्फ और सिर्फ मैंने बार बार आपसे बोला है कि हमारे पास जो हमारे पास टोटल हेड होता है उसमें से हमारे पास वी वन वाई 2g घटती है, v3 square by 2g घट जाता है। इसका मतलब ये जो आपके पास पावर थ्रोन अवे का मतलब है ना, वो जो मैं कल से आपको समझाता आ रहा हूँ परसों से, वो है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो ये हमारे पास v2 है, तो v2 square by 2g की जो पावर आ रही है वो हो जाएगी, हेड हमारे पास v2 square by 2g, उसके हिसाब से यहाँ पर पावर की वैल्यू निकालो, तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर यहाँ पर, पावर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, देखिए पावर, पावर थ्रोन अवे इन टेल रेस। अब देखो टेल रेस पर क्या हुआ, टेल रेस पर प्रेशर हेड क्या हो गया, जीरो, टेल रेस पर प्रेशर हेड क्या हो गया, जीरो, पोटेंशियल हेड क्या हो गया, जीरो, पोटेंशियल हेड क्या हो गया, जीरो, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड है ना, वेलोसिटी हेड जीरो तो नहीं है ना, जीरो तो नहीं है ना, इसका मतलब वेलोसिटी हेड है, बस उसी के हिसाब से पावर निकालनी है। तो पावर क्या होती है, पावर हो जाती है वेलोसिटी हेड में, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है, मुझे क्या निकाल के चलना है, मुझे पावर निकाल के चलनी है। तो अगर एनर्जी पर यूनिट के हिसाब से ले लूँ तो एम डॉट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, पावर की बात करूंगा तो 1/2 एम डॉट, एम डॉट को हम रो क्यू लिखते हैं, रो क्यू इंटू वी स्क्वायर, बस वैल्यू निकालनी है यहाँ से, वी की वैल्यू क्या है, ये वी टू, ये v, v क्या है, v exit v2, तो rho q into v2 square, q आपने अभी निकाला ही था a1 v1, ठीक है, q अभी आपने निकाला था a1 v1 के हिसाब से, है ना, a1 v1 equal to a2 v2, वो हमारे लिए q चल रहा है, rho आपको पता है, v2 आपको पता है, आंसर आ जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या आ रहा है, वेरी गुड निवेश जी, अब सही है, -4.95, सांगे जी -4.95 आ रहा है, ठीक है, हाँ
ठीक, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है यहाँ से। पावर लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने HF नहीं रखा, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ, HF की वैल्यू भी रखनी थी यहां पर, P1 वाई रोजी निकालते हुए मुझे यहां पर HF की वैल्यू भी रखनी थी। ठीक है, HF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2G। मे भी हो सकता है कि आपका आंसर इसीलिए गड़बड़ आया। ठीक है, हाँ ठीक, गुड गुड, 580.5 किलोवाट, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड निवेश जी, बहुत बढ़िया, 580.5 किलोवाट, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और कल मुझे इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स काफी कर चुके हैं अब फ्रांसिस टरबाइन पर, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आने वाला होगा फ्रांसिस टरबाइन में विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, जो आपके पास NPSH वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेके चलना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड लेके और चलना है। ठीक है, और फिर स्पेसिफिक स्पीड से, तो वो सारे क्वेश्चन अभी फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस होंगे फ्रांसिस टरबाइन के, बट अभी जो हमने फ्रांसिस टरबाइन का बेसिक समझा उससे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। ठीक, लिखेगा, ये क्वेश्चन लिखेगा। ठीक है, NPSH को हम कल करते हैं फिर, NPSH को हम कल करते हैं। ठीक है, आज का हमारा डे पूरा ही न्यूमेरिकल का रहा, कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल्स ही कहीं ना कहीं आपको फायदा भी देंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स को प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मुझे आप कल आंसर बताएंगे। ए फ्रांसिस टरबाइन विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75% is required to produce 148.25 kilowatt power. Full stop. It is working under a head of 7.62 meter. The peripheral velocity equal to 0.26 under root of 2gh, and the radial velocity of flow, साफ लिखा हुआ है, देखिए, flow of flow at inlet is 0.96 under root 2gh. अब आपको समझना है खुद कि ये किसकी वैल्यू की बात हो रही है, ये किसकी वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, ये खुद समझना है आपको। The wheel runs at 150 rpm and the hydraulic losses in the turbine are 22% of the available energy. Assuming रेडियल डिस्चार्ज, अब रेडियल डिस्चार्ज का मैंने मीनिंग आपको पहले ही बताया हुआ है, अब उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो हम अज्यूम करते हैं वो एजम्पशन इन्होंने पहले दे रखे हैं। रेडियल डिस्चार्ज डिटरमाइन ए है द गाइड वेन एंगल, मीनिंग क्या हुआ,
उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, कल मुझे आंसर चाहिए आपसे। बी है द व्हील, द व्हील वेन एंगल, द व्हील वेन एंगल एट इनलेट, तो उम्मीद है आप ये भी समझ चुके होंगे ये कौन सा वाला एंगल होता है। सी डायमीटर ऑफ द व्हील एट इनलेट, डायमीटर ऑफ द व्हील एट इनलेट, एंड डी विथ ऑफ द व्हील, विथ ऑफ द व्हील एट इनलेट। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ विथ ऑफ द व्हील एट इनलेट को, विथ आपको निकालने के लिए क्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्यू फ्लो की आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो आपकी वैल्यू होती है वो आपको पता ही है पाई डी वी इंटू वी एफ के बराबर होती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये विथ निकालनी है, तो ये और ये पता होने चाहिए इनलेट पर, है ना, तो वो सारी चीजें आप निकालने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, क्लियर हो रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी भी इश्यू से, किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो पूछे जल्दी से, जल्दी से पूछिए, कोई भी अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो, ठीक है। अब ये एक सेकंड, कहाँ की बात हो रही है, एन की वैल्यू, एक सेकंड, और 150 आरपीएम, ओके, ठीक। उम्मीद है आपको सभी को ये क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं पर रखते हैं फिर, ठीक है। हाँ ये 150, ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं फिर, ठीक, थैंक यू देन।